हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो प्रीवियस वीडियो में हम स्टार्ट कर चुके हैं सॉल्ट्स। हमने पढ़ लिया है कॉमन सॉल्ट, क्लोर अल्काली प्रोसेस, और इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा की। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ब्लीचिंग पाउडर, स्टूडेंट्स ब्लीच वर्ड से आप क्या समझते हो? ब्लीच वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लीच का मतलब होता है टू डीकलराइज समथिंग, मतलब किसी का कलर अगर कुछ है तो हमने उसको डीकलराइज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो पिछले वीडियो में हमने देखा है क्लोर अल्काली प्रोसेस, जिसमें क्या बना था? क्लोरीन बना था। क्लोरीन एक बाय प्रोडक्ट था, हाइड्रोजन भी बाय प्रोडक्ट था। तो उस क्लोरीन बाय प्रोडक्ट से आज हम एक नया सॉल्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। ओके स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। मैंने बताया आपको जो क्लोरीन बाय प्रोडक्ट बना था उसकी हेल्प से इसकी प्रिपरेशन होगी। पढ़ लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेट लाइम। स्टूडेंट ड्राई स्लेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ड्राई स्लेट लाइम, और इसको स्टूडेंट लाइम वाटर भी बोलते हैं। लाइम वाटर, ये क्विक लाइम नहीं है, ये लाइम वाटर है। ओके स्टूडेंट्स, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन डालते हैं तो ये क्या बनाता है स्टूडेंट्स? ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, और साथ में वाटर। कैसे बना आइए देखते हैं। यहां पर दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल गया और क्या बना लिया? वाटर बना लिया। यहां पर एक ऑक्सीजन बचा और कैल्शियम बचा है, कैल्शियम और ऑक्सीजन बचा है और क्लोरीन बचा है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। एक ऑक्सीजन यहां आ गया, दो ऑक्सीजन थे ना, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। तो इस तरह ये रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गिव्स अस कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर दैट इज H2O। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सो स्टूडेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, जो हमारे क्लोथ्स बनाते हैं, क्लोथ्स बनाती है, वैसी इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है ब्लीच करने के लिए, यानी डीकलराइज करने के लिए, कलर देने के लिए या कलर निकालने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है कॉटन क्लोथ्स को और बाकी लिनन क्लोथ्स को। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या होता है, आपने कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा स्टूडेंट्स के कई बार जो महंगे वाले क्लोथ्स होते हैं, जो ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं, उनको अगर हमने पुअर क्वालिटी के क्लोथ्स के साथ वॉश कराया, धोया है उनको साथ में, तो क्या होता है जो पुअर क्वालिटीज के क्लोथ है वो अपना कलर दे देते हैं, अपना कलर छोड़ देते हैं, उसमें वॉश करते हुए अपना कलर छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार वो कलर ब्रांडेड क्लोथ्स पे लग जाता है और हमारे ब्रांडेड क्लोथ्स खराब हो जाते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इनको लॉन्ड्री में भेजते हैं ब्लीचिंग करवाने के लिए। ब्लीचिंग का मतलब ही डीकलराइज करवाने के लिए, वो कलर निकालने के लिए या फिर बिल्कुल नया कलर चढ़ाने के लिए। तो कई बार निकालने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल होता है और कई बार इसका ओरिजिनल कलर भी चला जाता है, तो फिर उसमें उस केस में क्या होता है, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं पूरा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। हम सबको पता है जो पेपर होते हैं वो वुड पल्प यानी पेड़ से बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो उसको भी ब्लीच करने के लिए आपने देखा होगा कुछ पेपर बहुत शाइनी, बहुत व्हाइट होते हैं, कुछ थोड़े डल, कुछ थोड़े ब्लैक और कुछ ग्रे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सब ब्लीचिंग पाउडर की वजह से होता है। और देख लेते हैं वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। तो जो क्लोथ्स होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए भी, उनपे भी कलर चढ़ाने के लिए, जैसे लोग अपनी शर्ट्स का कलर चेंज करते हैं, अपनी पैंट्स का कलर चेंज करते हैं, तो उसके लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज दैट इज इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे, किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करवा दे। ओके स्टूडेंट्स, सो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि इसके पास नेक्सियम क्लोरीन होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये सिमिलर टू ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के सिमिलर है, और ये असल में भी ऑक्सीजन निकाल सकता है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है। सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं वो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारे पास कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक ऊपर और एक नीचे। सो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी डिटेल्स आपको सीनियर क्लासेस में मिलेगी, अभी के लिए आपको ये स्ट्रक्चर देखना है बस। और इसका क्या यूज है,
ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, पानी में आपने देखा तो नहीं होगा क्योंकि वो पानी के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते. सो वो हमें हार्म करते हैं इन वन और द अदर वे. सो उनको मारने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर में निक्सन क्लोरीन होता है और निक्सन क्लोरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है. ओके स्टूडेंट, सो इस तरह ही हमारी हेल्प करता है ब्लीचिंग पाउडर. सो आइए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा की. आइए देखते हैं बेकिंग सोडा. स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वी कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके स्टूडेंट, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये किस चीज में यूज होता है? ये यूज होता है मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास. जो भी हम हमारे किचन में पकौड़ास बनते हैं और भी बाकी सारे आइटम्स बनते हैं, उनमें क्या डालता है? बेकिंग सोडा डालता है ताकि उसमें क्रिस्पीनेस आए स्टूडेंट्स, क्रिस्पीनेस. ये बेकिंग सोडा किस तरह का सब्सटेंस है? ये एक माइल्ड नॉन करोसिव बेस है. ये एक माइल्ड नॉन करोसिव बेस है. ओके स्टूडेंट्स, ये बेकिंग पाउडर बनाने में भी मदद करता है. अब क्या बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग है? हाँ बिल्कुल, बेकिंग पाउडर अलग है और बेकिंग सोडा अलग है. हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं फूड आइटम्स को बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए. हम बेकिंग सोडा डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम बेकिंग सोडा से पहले बेकिंग पाउडर बनाते हैं. वो भी कैसे बनाते हैं वो हम सीखने वाले हैं आज. और फिर उस बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं कुकिंग के लिए. और समटाइम्स ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर यूज होता है फास्ट कुकिंग के लिए. इससे फास्ट कुकिंग होती है स्टूडेंट्स. और ये किससे प्रिपेयर होता है? ये प्रिपेयर होता है NaCl यानी टाटा सॉल्ट नहीं, यानी NaCl यानी सोडियम क्लोराइड. ओके सो आइए पढ़ लेते हैं कैसे होती है इसकी प्रिपरेशन. व्हेन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन इज पासेस थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट प्रोड्यूसेस बेकिंग सोडा. बस इतना सही है. अब अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन हमें पता है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन. सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये हो गया ब्राइन. और अमोनिकल यानी उसमें अमोनिया भी है, अमोनिया भी ऐड है. अब जब ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें सोडियम क्लोराइड है और H2O है, दोनों मिलके ब्राइन हो गया और उसमें हमने अमोनिया डाल दिया, तब अमोनिकल ब्राइन बन गया. ऐसे सॉल्यूशन को हमने कार्बन डाइऑक्साइड से जब पास कराया, कार्बन डाइऑक्साइड से जब हमने ऐसे सॉल्यूशन को पास कराया, तब क्या रिएक्शन देखने को मिली हमें? हमें देखने को मिली कि दो सॉल्ट बने, एक बना NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, एक बना NaHCO3, दैट इज जो कि हमें चाहिए था रिक्वायर्ड बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. अब इस एसिड को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, सो ये इस एसिड में कौन सी कैटायन और कौन से एनायन दिख रहे हैं? इसमें Na+ कैटायन दिख रहा है और HCO3- एनायन दिख रहा है स्टूडेंट्स. अब Na+ हमें मिलता है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और HCO3- एनायन हमें मिलता है वीक एसिड H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड से. सो ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से ये मिलकर बनाया ऐसा सॉल्ट. सो अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है स्टूडेंट, बेसिक सॉल्ट है. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो कैसा सॉल्ट होता? एसिडिक सॉल्ट होता. पर यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए स्ट्रॉन्ग, इसलिए बेसिक सॉल्ट है. पर बेसिक सॉल्ट भी कैसा? माइल्ड बेसिक सॉल्ट है, माइल्ड है, मतलब हम इसे खा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और इसका नाम हमें पता है बेकिंग सोडा होता है. आइए देख लेते हैं, हमने बात करी थी बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फर्क होता है? इनमें फर्क इतना होता है कि बेकिंग सोडा को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते कुकिंग के लिए, पर बेकिंग पाउडर को हम डायरेक्टली यूज करते हैं. आइए देख लेते हैं बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनता है. आइए देख लेते हैं. जब हम बेकिंग सोडा में H+ कैटायन देते हैं किसी भी एडिबल एसिड से, एडिबल मतलब ऐसा एसिड जिसे हम खा सकते हैं. हम बहुत सारे एसिड खाते हैं, हम टोमेटो खाते हैं, हम लेमन्स खाते हैं, हम ऑरेंजेस खाते हैं, हम टैमरिन खाते हैं, इमली खाते हैं, तो इनमें किसी ना किसी तरह का एसिड होता है जरूर स्टूडेंट्स. टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, लेमन्स और ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड होता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. सो ऐसे एडिबल एसिड से हम H+ आयन और H+ कैटायन लेते हैं. सो बेकिंग सोडा में H+ जब हमने जोड़ा और इसमें इसको हमने हीट करा, इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट स्टूडेंट, हीट करा, तो हमें क्या मिला? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस H2O. सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एक न्यूट्रल एसिड है
और H2O plus CO2, और ये CO2 ही क्या है, ये CO2 ही ये कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करती है स्टूडेंट्स, ये मेक करती है केक्स को फ्लफी बनाने के लिए, केक्स को फ्लफी बनाने। सो जब हम केक में हमें बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए, बेकिंग पाउडर। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, अगर हमने बेकिंग सोडा डाला तो क्या गलत होगा, आइए देख लेते हैं। अगर हमने बेकिंग सोडा डायरेक्टली ऐड करा केक बनाने के लिए, केक में डाला बेकिंग सोडा, तो क्या होगा, बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, और इसको हमने ऐसे हीट कर दिया बिना किसी H+ कैटायन दिए हुए। ओके स्टूडेंट्स, अब H+ कैटायन ना हमें एडिबल फैट्स और ऑयल से भी मिलते हैं, जो भी वनस्पति तेल और ऑयल्स रिफाइंड वगैरह होते हैं इनमें भी क्या होता है, H+ आयन होता है स्टूडेंट्स। ओके सो इनसे भी हमें मिलता है, आपने देखा होगा हम केक बनाते हुए पहले ऑयलिंग करते हैं थोड़ी सी, तो वो क्यों, ताकि बेकिंग सोडा और ऑयल मिलके सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना ले। अभी हम बात कर रहे हैं कि बेकिंग सोडा को डायरेक्टली यूज करेंगे तो क्या गलत होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेकिंग सोडा का थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा और क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मतलब यहां पर भी केक फ्लफी तो होगा, फ्लफी जरूर होगा, और H2O यानी थोड़ा सा मॉइस्चर भी दिखता है केक बनाते वक्त। और ये जो Na2CO3 है ना, Na2CO3, ये Na2CO3 कहीं ना कहीं वॉशिंग सोडा में यूज होता है, वॉशिंग सोडा में यूज होता है, हम आगे देखने वाले हैं। आप सोच सकते हो अगर वॉशिंग सोडा में यूज होता है तो डिटर्जेंट में इसका टेस्ट कैसा होता होगा। ये Na2CO3 जैसा कि हमने यहां पर देखा है एक बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना है, बेसिक सॉल्ट है, तो ये बेस कैसा टेस्ट करते हैं, बिटर टेस्ट करते हैं, तो ये भी कैसा टेस्ट करेगा, बिटर टेस्ट करेगा और हमारे केक का टेस्ट खराब कर देगा, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके केक का टेस्ट खराब हो। अब ये तो था इसका पहला यूज, #1 बेकिंग सोडा का यूज, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। सेकेंड यूज देख लेते हैं, इट इज यूज इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स। आप सब लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में और कई गवर्नमेंट ऑफिसेस में सोडा फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे रेड कलर के केन लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, आग बुझाने में मदद करते हैं। अभी आग बुझाने में मदद कैसे करते हैं, इनमें से क्या निकलती है, ये तो हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बहुत ही हाई प्रेशर से, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो जहां पर आग लगी हुई है वहां पर ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट काट देती है और क्या, आग बुझा देती है। आइए देख लेते हैं कैसा होता है, क्या होता है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें एक सिलेंडर होता है, ओके स्टूडेंट्स, उसमें एक कांच की शीशी होती है, उसके अंदर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है या कोई भी एसिड, रिएक्टिव एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और नीचे क्या होता है, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या होता है, जब हम इसकी नोजल प्रेस करते हैं ना स्टूडेंट, तो ये कांच की शीशी फूट जाती है और क्या होता है, ये एसिड नीचे गिर जाता है और रिएक्शन करने लग जाता है बेकिंग सोडा के साथ। और इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये निकलती है बड़े प्रेशर के साथ, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होने के वजह से जो हमारी आग है वो बुझ जाती है। तो ऐसा इसका यूज है, यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, याद रहना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। इसका थर्ड यूज देख लेते हैं, #3 यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड, बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। ओके सो बेकिंग सोडा एक बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, तो ये एल्कलाइन इन नेचर है, बिल्कुल सही बात है, एल्कलाइन इन नेचर है, तो ये ना एक इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है एंटासिड में। एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड ऐसी मेडिसिन कह लो, ऐसा सब्सटेंस कह लो, ऐसा केमिकल कंपाउंड कह लो जो कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। ओके स्टूडेंट्स, जब भी हमें एसिडिटी होती है और इनडाइजेशन हो जाता है, जब हमारा एसिड टू मच एसिड प्रोड्यूस कर देता है, तब हम क्या लेते हैं, एक एंटासिड लेते हैं ताकि जो एसिडिटी हमें हुई है, जो पेन और इरिटेशन हमें हो रहा है, उससे क्या हो, हमें रिलीफ मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्योंकि बेसिक सॉल्ट है तो ये इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है एंटासिड में, और एल्कलाइन होने की वजह से ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को हमारे स्टमक में और हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है।
सो आगे से कभी भी आपको एसिडिटी हो और इनो ना हो घर पे, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी लिख कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही गाइस। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। आई एम मोहित एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।